तो ऐसे ही देखो पोता मिट्टी खोद ही जाते, बहुत टाइट खोदते। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक और हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। ये मेरी छोटी सिस्टर, कोई मतलब बोलते रहते तो प्रैक्टिस होती है, बोलते नहीं तो नहीं होती है। न्यू मतलब बोलना सीख कर। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, पोता मिट्टी लेने। जो आपने शायद ही देखी हो, जिससे हम मतलब जो चूली होती है मिट्टी वाली, उस पर मतलब उस पर चौका लगाते हैं ऊपर से, वो एकदम सफ़ेद वाली होती है। मतलब चौका लगाने के बाद ना एकदम जैसे ऐसे लगता है पेंट कर दिया, वो बिल्कुल वाइट वाइट हो जाती है। तो वो मिट्टी यहाँ पे नहीं होगी, आसपास खेतों में दूर जाना पड़ता है उसके लिए। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर वो मिट्टी निकलती है, और वहीं चलते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, इसकी मत करना ब्लॉग को, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये। चलो यहाँ से हटो, चूली फूट जाएगी। कोको चलो पोता मिट्टी भरवे, तू चलो चल जल्दी ले ले छोटी वाली साइकिल, हम डाल लगी पीछे वही करनी हम। और हम लोग अब जा रहे हैं बाहर, मतलब खेत में खड़े हैं, अब जा रहे हैं नानी को लेवे के लिए बोरिया वगैरह। हम लोग जा रहे हैं नानी, वहीं आगे आगे हम लोग पीछे पीछे। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मलाइका जी रहती हैं, आगे आगे जा रहे हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं नानी के संग, नानी बहुत दूर है, दूर बहुत है। देखो जी मलाइका मैम, ए बाने गिरा जी बोल के, मलाइका मैम सफारी लेके आई, तो हम लोग सफारी खा ली। तो हम लोग कबू को ऐसे नहीं, आप लोग गलत कमेंट मत करना कि तुम लोग तम्बाकू खाती हो। मतलब कभी कभार हम जैसे मतलब 2 साल बाद ऐसे मतलब जब देख रहे हैं सफारी, ऐसे नहीं मतलब ले आइए तो खा रहे रहो। वो भी ऐसे रोज आना नहीं लाती है, कभी कभार मन आ गया तो। पावर बैंक संग किसकी, अगर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ तो मैं तब चार्ज कर सकूं, आप लोगों के लिए ब्लॉग अच्छा से अच्छा बना सकूं, और इंस्टाग्राम पे भी वीडियो, इंस्टाग्राम के लिए भी रील बनाऊंगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी देख लेंगे। हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, आपने जिसमें उस दिन हमने ब्लॉग में दिखाया था वही रास्ता है हम लोग जा रहे हैं। बाकी की हम सारी चीज़ें तो बता चुके हैं आपको कि रास्ते में क्या क्या है, और हम इसी रास्ते से ज़्यादातर हम लोग जाते हैं, मार्केट भी जाते तो इसी रास्ते से जाते हैं। वो माए नन्नू है घास ले रहे हैं, ये पंचायत घर में खाट पड़ी रहती है हमेशा, लेटो बैठो। देखो जी वाली अच्छा खेल रहे हैं, वजह पर नानी बिटिया थो पर रही है। देखो जी बेटा झूला झूला है ये लड़का, ए ले लो देख वो तो सो रहा है। देख कितना कितना बढ़िया चला, छोटे बच्चा बहुत अच्छा चलाता है गाय के। यहाँ पे वो नानी रहती हैं, अभी है नहीं है, तो देखो उनके कपड़े वगैरह डले हैं, भैंस और ये भरनी है, गाय इधर है, ये भैंस है, यहाँ पे सब कुछ है, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पकड़ ले बढ़िया, जब करंट इतना आ रहा, करंट तो ना आ रहा तार में। जी हमारी नानी है, देखो धूप और आ रही है, देते चेहरा पहचान में ना आ रहा सही तरह। और का इधर तो धूप आ रही है। अच्छा अब तो तुम्हें देख लेंगे, देखो तुम्हें जूम कर दे ला। चोरी को घर जाएंगे, जाई गांव में। अरे बेका कर गई पंचायत, देखो देखो प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पी ली नल पे, फिर जाता तौल नहीं संध्या हो जा रही है। पी ले ली जल्दी, पी जल्दी पियो, नानी देख कहाँ पहुंची मैया। आगे में हवा और वाला ऐसे ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी, यहाँ मुँह बहुत ही प्यास लगी जल्दी। पानी पी लिया और अब हम लोग जा रहे हैं, प्यास लग रही थी, फिर चलो चलो
नानी आज तो तुम दूसरी साड़ी में, आज तो तुम दूसरी साड़ी में ब्लॉग में आ रही है। अमर नानी सब लोग जा रहे हैं एकदम लेंथ पहन। आजा जल्दी, ये मक्का की खेती है आप लोग देख सकते हैं, और इसमें छोटी छोटी अभी अड़ियां आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। हमारी भी इतनी है, मतलब इतनी बड़ी हो गई है। देखो यहाँ खेत पर कितनी सारी बकरियां चर रही हैं। ये दूसरे गांव की हैं, हम लोग बहुत दूर जाएंगे उधर साइड, रोड ही रोड, कच्चा रोड है हमारा। देखो कितनी उधम कर कर के जा रहे हैं बच्चे। ये देखिए लली, ये शिवानी जी अनार को पेड़ देख, अनार लगे हैं पे। हाँ हाँ लगो, छोटे छोटे दो तीन लगे हैं, मतलब मुँह दो तीन दिख रहा है। पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर और रह गया, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम लोग। सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, जिन्हें पता चले कितनी दूर जाना है। पक्का रोड आएगा, हम दिखाएंगे आप लोगों को। पक्की रोड पे आ चुके हैं, देखो ये पक्का रोड है, आधा कच्चा। जब बाली बच्चा इतना उदम करते हुए जा रहे हैं और रोड पे बेदुआ माँ माँ पहुंचे जे यहाँ रह गए। और ये सिवारा की खेती, इधर इधर तो खेत बंजर पड़े हुए हैं। जात नांगी था तो कह दिए कि तो सूट अच्छे लगते, वो सूटन पे उतर पड़ी है, ढूंढ ढूंढ के पहनना ही है ये जब, मतलब अब सूट ही पहनने हैं जिंदगी भर। ए देख मलाइका, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब वाइट वाली मिट्टी निकलती है, मतलब सफ़ेद मिट्टी निकलती है इस मिट्टी को, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है जब सुबह सुबह हम चौका लगाते हैं चूल्ही पे, मतलब उसको पेंट जैसे करते हैं, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि हम लोगों को तो खाने का मन करने लगता है, सब लड़कियों का करने लगता है। ये खा बहुत सी मतलब लड़कियाँ खाती भी हैं इस मिट्टी को, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी होती है वो मिट्टी। तो देखो इतनी मतलब गहरा गड्ढा है यहाँ पे, मतलब मिट्टी निकलती है सफ़ेद, हर खेत में नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे ही वो मिट्टी निकलती है, पोता मिट्टी वाइट कलर की। इतना गहरा देख सकते हैं कि देखो ऐसी मिट्टी निकलती है। देखो मेरा भाई छोटा जो मतलब निकाल रहा है अभी, मतलब अभी तो ये मतलब ऐसे कलर में है, मतलब वाइट ही हो जाती है जब चौका लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छी एकदम वाइट वाइट कलर हो जाता है, क्योंकि अभी ये गीली है इस वजह से थोड़ा ऐसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे तरी है, खेतों में पानी वगैरह लगता रहता है। जब ये सूख जाती है ना तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, जैसे हम लोग पेंट करते हैं सफ़ेद वाला, वैसे हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सब लोग लेके जाते हैं जो आसपास के गांव हैं, तो वो सब यहीं से लेके जाते हैं। तो देख सकते हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी गोकाल बनी है यहाँ पे। तो ऐसे ही देखो पोता मिट्टी खोदी जाते हैं, बहुत टाइट खोदते हैं ऐसे, और जहाँ में खुशबू इतनी अच्छी आती है कि जाके जब चौका लगाते हैं ना सुबह, तो हर लड़की के मतलब खाए को बच चले जाते जो मिट्टी को, मतलब बहुत सी लड़कियाँ खाते हुए हैं। हमारा तो देखो मन बहुत करता है खाए को, लेकिन खाए में मतलब अच्छी लगते हैं, पर जाके मैक बहुत अच्छी लगते हैं, हम लोग खाते ना है। अच्छा हाँ, हम लोग पोता मिट्टी में खाते हैं। सो तो मूंग पता है कहाँ खाते हैं, नहीं आप खड्डी वगैरह बस बहुत खा लेते हैं, खड्डी तो हम छोड़ते हो ना, खोदत खोदत पसीना निकल रहा हूँ मैं तो। अब अंगीता की बारी है, खोद जल्दी मट्टी खाई है तूने, पोता दिखा आकर देखा जाने खा ली, किन किन ने खाई है आज मट्टी। तो अंगीता मुँह में घुस के क्या कर रही है, कौन जाने की तैयारी हो रही है बिट्टी में अंदर। जाने की तैयारी तो नहीं है, वीडियो बन रही है देख सकते हैं आप, तो शिवानी मैडम है ये,
तुझको क्या दे दिल के हेरा। बिल्कुल संजा भाई जा रही है और क्या करे, जल्दी भरे और खोद ला, हम खोद दे और जा। और वो डंडे लग जाओ राजी कह रही है ओए 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 कितनी मौज लेती सही में, तो पसीना निकल गया पूरी खोदने में, पूरी एक कसला मैंने खोदी है। बाबा ये कोल करवा आ चलो हम चल रहे आए रहे चलो बाल निकाल लो अम्मा यहाँ पे उठवाएंगे तुम्हें। ए बादशाह पठे भाई जी गुड जे, बहुत देर तो बेटी तुम वीडियो बना रही हो, तात को अजमा लो। अब तो फिर बाहर उठवा ली, फिर निकल ली ऊपर को चले है ना खलिया में चले बड़ी है चंदा अब मट्टी लेके बहुत ज्यादा शाम आ चुकी है, हमारे पावर बैंक यही रह जा रही है। आ जा चलो ये दोनों लेके जा रही है, और जी थक जामी तो हम ले लेंगे, बस जी थके ही ना जी। औलाद बेर बेर गिरा रही है मट्टी, देख कैसे तो इस आसानी तो ना तू ले जा पा रहा, तू चढ़ के जा रहा बाबा पे हवा ने फवा में बारा जी पूरी मट्टी, कितनी मुश्किल तो खोद खोद के ला रहे माते दोनों बरा सो का तू तो पापा जा रहे हैं दिल्ली, जामे का कपड़ा लेके जा रहे पापा। अच्छा तो सही तो जाइयो हला, और वो रख के लाए टिकट ठीक है जाओ। तो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, और ये सुबह का क्लिप है जो मैं बाहर मतलब पानी लग रहा था खेत में, तो मैंने मतलब इधर साइड पानी मार रही थी, जो रेत था उधर मम्मी ने बोला था कि पानी मार दो जाके, तो ये सुबह का क्लिप है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगो तो लाइक कमेंट शेयर करना और मुझे सपोर्ट करो यूट्यूब पर, और ऐसे ही आपको नए न्यू ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे।